लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। We're back! We're hungry! And today, as the royal brothers of Bundigarh. Apart from the delicate and robust cuisines of this place, we've also learned about this family's secret sport. It's not cricket, it's not polo, it's not even hunting. It's Russian roulette. And to tell us more about this macho, dangerous and often deadly sport, we have with us Yuvraj Vijay Singh Ji. So sir, aap bataiye, aapki family ki history kya hai sport ke saath? Mere great-grandfather actually, wo is game ke expert the. वो जब भी गोलियां सिलेंडर में डाल के घुमाते थे उनको पता होता था कि किस शॉट में गोली निकलेगी। तो ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद किसी ने खेला नहीं है गेम? नहीं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि रॉयल्टी खत्म हो गई ना, और फिर हमारा कानून भी नहीं रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर, यू नो, बिकॉज़ इस गेम में आप किसी की जान लेते हैं जिसका हक आपको नहीं है। वेलकम रॉकी एंड मयूर, क्या क्या बातें बताई है विजय ने आपको? जी बहुत कुछ, यहाँ के जानवर, यहाँ का शिकार और रशियन रूलेट। पर मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ऐसा गेम आप लोग खेलते क्यों थे? क्या इसमें एक्साइटमेंट है? क्या मतलब वो जोश है जो आप लोग ये गेम खेलते थे? अब वो सब छोड़िए, यहाँ सब्जियाँ सूखी जा रही हैं, जल्दी बनाना शुरू करते हैं। हमारे दादा इस इलाके के सारे रजवाड़ों के मुखिया हुआ करते थे, इसलिए उनके तेवर थे, अपना खून अपनी ताकत साबित करने के लिए ये खेला करते थे। वो तो कमाल के एक्सपर्ट थे, इसलिए कभी हारे नहीं। ये देखिए रजवाड़ों के तेवर, इनके हाथ में बंदूक होती तो चला देती आप पर। आपने इन्हें इंतजार करवाया ना? Excuse me, miss. Going to need you to sign this. This man is being deported to India. Don't worry, I'm happy to leave your country, officer. Going home, you're right. माफ कीजिएगा, आपका नाम? माधवी। माधवी, yes. पेरिस में आपकी डिपोर्टेशन की खबर मिली, लंदन में मिलने की कोशिश की पर पुलिस ने अलाउ ही ले आई थी जी। सोचा शायद आपको किसी मदद की जरूरत पड़े तो यहाँ या इंडियन गवर्नमेंट के जरिए होम मिनिस्ट्री पे कुछ प्रेशर डलवा सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। नहीं ऐसा कुछ नहीं। रियली शायद आपकी जरूरत हिंदुस्तान में पड़े। अरे ऐसा मत कहिएगा, काश हमारी मदद की जरूरत आपको कभी ना पड़े। क्यों? क्योंकि हम दोस्त के लिए दुनिया को दुश्मन बना लेते हैं, और जैसे आप अपने गुस्से के लिए मशहूर हैं, हम अपनी दुश्मनी के लिए। ये दोस्ती आजमाई ना जाए तो अच्छा है। राइट। नई शुरुआत के लिए। भाई साहब आइए बैठिए। नींद कैसी आ रही है? ब्रेकफास्ट किया? रूम के गद्दों से बदबू आ रही है। सुबह के ब्रेकफास्ट के फ्रूट्स की क्वालिटी ठीक नहीं है। एक सिंपल ऑमलेट बनाना नहीं आता? दे दीजिए, ये होटल हमें दे दीजिए चलाने के लिए, सिर्फ चलाने के लिए। जब तक वो ज़मीन जो आपको हमें देनी है उस पर हम अपना होटल ना बना लें, अपना भी काम हो जाएगा और आप लोगों को होटल चलाने का एक्सपीरियंस भी। मेरे बाद कोई और चला लेगा। हमारे पास है क्या इस होटल और कुछ जमीन के अलावा? भाई साहब बहुत पैसा खर्चा किया है आपके केस को दबाने के लिए। और इस खानदान की पगड़ी जो तुम बार बार उछाल देते हो, कभी किसी का खून करके, कभी उस लड़की के साथ। दौसा रहन दीजिए वरना फिर से गुस्सा हो जाएंगे और सीन क्रिएट करेंगे, और वैसे भी बहुत सारे गेस्ट हैं होटल में। लेट बी। इस महल के गलियारों में कौन किसके गाल मसलता है, कौन किसकी गर्दन दबोचता है, तब ख्याल नहीं आता इज्जत का? लंदन भेज के तो आप भूल गए हमें? रशियन रूले खेल कर अपनी जान को दांव पे लगाकर पैसे कमाए हमने। सब ठीक ठाक चल रहा था, सब ठीक ठाक, एक दिन किसी ने गुस्सा दिला दिया। इसीलिए आज के बाद यहां कोई गलत बात नहीं होगी। स्पेशली यू विजय। अभी आए हो? थोड़ा वक्त दो,
मैं वकील से बात करता हूं। वैसे भी आप सुहानी से शादी करने जा रहे हैं, इससे पहले कि आपकी इज्जत की पगड़ी ना उछल जाए, हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए और इस खानदान से बेदखल कर दीजिए हमें। चेहरे को देखकर लग रहा है आप किसी से बहुत नाराज हैं। ये नाराजगी और गुस्सा बाहर ही रहेगा, सिर्फ आप अंदर पता रहे हैं। नींद बेबी परेशानी। अरे अगर आप पैसे के राजा रानी नहीं बने तो क्या हुआ? हम प्यार के राजा रानी बनेंगे। कुछ कहते क्यों नहीं? आज मंडे है क्या? ये मेरे साथ मौनव्रत नहीं चलेगा? हाँ कुछ बोलो ना। क्या बोलो? बोलो कि मैं खूबसूरत हूँ। बाकी की जिंदगी हर सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं खूबसूरत हूँ। इसका मतलब ये है कि हर सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ और फिर उसके बाद तुम्हें अपने पास यूं खींच कर फिर तुम्हारे साथ ये सिलसिला कब खत्म होएगा? कभी नहीं। बनी, दिस इज माय सन उदय। इसे कुछ काम था तुमसे, तो नाउ आप दोनों बातचीत करिए। जानता हूँ तुम्हारे बारे में, आपकी बेटी के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। आपको कुछ काम था हमसे, जल्दी बताइए, मुझे मिलना है। देखिए, आपने मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए। काम बताइए। सुना है आप अपने किले की जमीन बेचना चाहते हैं? अब नहीं बेचना चाह रहे। फिर वो जमीन बेकार हो जाएगी। मेरे पास कुछ पैसे आने वाले हैं, उस जमीन पर एक हेरिटेज होटल बन सकता है। लंदन में मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का। आई वॉज अ वेरी प्रताप सिंह जी, मैंने जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अगर अब भगवान भी आकर मुझसे हाथ मिलाना चाहेंगे तो मना कर दूंगा। हेलो। इस भीड़ में एकदम अकेले दिखाई दे रहे हैं आप, अकेले और सबसे अलग। यहाँ सिर्फ आप ही हैं जिसे मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको देख पा रही हूँ। बनी अंकल से बात कर रहे थे आप, सब खैरियत? जी जी। अरे अरे, आप सीधे हमारी तरफ आ रहे थे, गलत मुड़ गए। हेलो। माधवी, मुझे पता था आप मुझे यहाँ जरूर। बनी अंकल से बात कर रहे थे आप, कुछ जरूरी काम? हाँ, उनकी प्रॉपर्टी चाहिए थी लेकिन वो बेचना नहीं चाहते। वैसे हमारी सुनते हैं वो, हमारे हस्बैंड के ससुर हैं, हमारे हस्बैंड की सेकंड वाइफ के फादर। आप कहे तो बात करें। हमें नहीं मिलवाएंगी अपने नए दोस्त से? ये उदय प्रताप सिंह, हरी सिंह जी के बड़े सुपुत्र, और ये हमारे इनका हस्बैंड।
आदित्य प्रताप सिंह, सभी रजवाड़े एक दूसरे को जानते हैं पर आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई, पर खबरें बहुत सुनी हैं आपके बारे में हमने। जी मैंने कई मशहूर काम किए, 20 साल हिंदुस्तान से दूर रहा हूँ और रजवाड़ों से थोड़ा ज्यादा दूर, लेकिन आपके किस्से तो हमने वहाँ पे भी सुने। आप दोनों बात करिए, गवर्नर साहब जाने वाले, मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ। तो आप 20 साल बाहर रहे हैं। जी माधवी को कहाँ मिले? फेसबुक पे। जिस दिन हमने लॉर्ड विली के सर पे बोतल तोड़ी और मशहूर हो गए, माधवी हमारे ही क्लब में थी। ये बात उसने आपको बताई नहीं? कमाल है, ये बात तो कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को बताएगी। लगता है आप दोनों में बातचीत नहीं होती। आप तो पर्सनल होने लग गए। आप भी तो पर्सनल हो रहे थे, हम जरा खुल के हो गए। माफी, क्या है कि माधवी जैसी बीवी हो तो हम क्या, कोई भी मर्द घबराएगा। दो मशहूर लोग यहाँ खड़े हैं और भीड़ कहीं और। आपको भीड़ पसंद है? बहुत, और सर झुकाए भीड़ तो और भी ज्यादा। इसका मजा आपने कभी लिया नहीं शायद। जिंदगी का मजा हमने बहुत कम लिया है, अब वापस लौटा हूं, जिंदगी भर का मजा लूंगा। किस चीज का मजा? इश्क। इसका मजा आपने लिया नहीं है शायद। हाँ आपके इश्क के चर्चे तो सुने हैं। तो ज्यादा मशहूर कौन, ऑटोग्राफ मैं आपको दूं या आप मुझे दूं?